दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस रेल हादसे के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही दुखद घटना है और दोस्तों मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आखिरकार यह घटना किस तरीके से घटी है, कब घटी है और कहाँ पर ऐसा घटना हुआ है, इसकी वजह से दोस्तों कितने लोगों की जान जा चुकी है और दोस्तों कितने लोग घायल है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यह घटना उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में 2 जून 2023 को शुक्रवार के दिन शाम को जब कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर है 12841 दोस्तों, सैली मार से चेन्नई सेंट्रल के लिए जा रही थी, तब दोस्तों उड़ीसा राज्य में एक बालासोर जिला के 25 किलोमीटर आगे एक रेलवे स्टेशन पड़ता है दोस्तों, बाहनंगा बाजार रेलवे स्टेशन। जी हां दोस्तों, यह घटना वहां पर हुआ है। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या है कि बाहनंगा बाजार में जब वो ट्रेन आ रही थी सैली मार से और जा रही थी चेन्नई सेंट्रल के लिए, जिसका मैंने ट्रेन नंबर बताया 12841, और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार से मालगाड़ी और ये जो ट्रेन जा रही थी चेन्नई को जो है दोस्तों टक्कर हो गई है। और दोस्तों टक्कर में यह बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है उसका दोस्तों स्थिति बहुत दयनीय है, मतलब कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हद तक ट्रेन का जो है कोची बोग वो सब दोस्तों डैमेज हो गया है दोस्तों। और ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कहा जा रहा है कि 3-4 कोचेज ही बचे हुए हैं, बाकी सारा कोचेज जो है डैमेज हो चुका है। और दोस्तों यह कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जब सैलीमार से आ रही थी चेन्नई सेंट्रल के लिए, तब दोस्तों जहां पर हादसा हुआ बाहनंगा बाजार, तब दोस्तों उस ट्रेन की स्पीड 130 थी, बिल्कुल हाई स्पीड थी। और दोस्तों उस ट्रेन का अगला स्टॉपेज अगला 50 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों यहां पर ही एक और सबसे बड़ा हादसा यह हो गया है कि जब यह जहां पर यह ट्रेन जो है टकराया मालगाड़ी से, तब दोस्तों एक और ट्रेन आ रही थी 12864 SMBT बेंगलुरु से, वो ट्रेन जा रही थी हावड़ा जंक्शन के लिए, तब दोस्तों यहाँ पर वो भी ट्रेन से जो है टकरा गई, जिसमें दोस्तों उस ट्रेन से भी काफ़ी लोगों की दोस्तों मृतक हो चुकी है और काफ़ी सारा जो है डब्बा भी जो है डैमेज हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार से बताया जा रहा है कि लगभग 233 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हो सकता है दोस्तों यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, और दोस्तों लगभग 900 लोगों घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया दोस्तों, रेलवे इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आखिरकार दोस्तों यहां पर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, जब एक चेन्नई सेंट्रल वाली जा रही ट्रेन में जब मालगाड़ी से टक्कर हुई थी, तो क्या एक ट्रेन SMBT से बंगलुरु से जो जा रही थी कोलकाता हावड़ा के लिए, उसको क्या मतलब पहले जो है मतलब जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। आखिरकार दोस्तों इस बात को लेकर काफी चर्चा किया जा रहा है, अब देखिए दोस्तों न्यूज में क्या निकल कर आता है। बाकी दोस्तों आज के इस दुखद खबरों के बारे में आप सभी के साथ यही शेयर करना था। अगर दोस्तों आप लोगों को इनसे जुड़ी और भी कुछ बातें हो, तब दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों यहाँ पर मृत्यु की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रहा है और दोस्तों यहाँ पर घायल जो बताए जा रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार से, वो दोस्तों 900 लोगों की है। तो दोस्तों इससे अगर आपको और भी कुछ जानकारियां हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।